वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों कैसे हो आप सभी आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो काफ़ी दिन हो गया था लिविंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर नहीं किया थोड़े चेंजेस नहीं किए हुए काफ़ी टाइम से एक ही जो है लुक में चल रहा था और इस बीच घर का, का काम भी हुआ था तो बहुत चीज़ें जो है वो मैसी हो रखी थी तो मैंने बोला कि आज क्लिनिंग करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आती हूँ तो लिविंग रूम हो चाहे कोई सा भी रूम हो एक क्विक मेकओवर देने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फर्निशिंग्स चेंज की जाए ये सच में एक मैजिक की तरह काम करता है कि आपने जस्ट कुशन कवर ही चेंज कर दिए और आपका घर एकदम नया लगने लगता है तो बस यहाँ पे मैंने कुशन के कवर चेंज करने के लिए जो पुराने वाले क्वेश्चन थे वो सारे निकाल दिए हैं अब नए क्वेश्चन लगाने से पहले सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो है सोफ़ा क्लीन कर लूँ इस बीच सच में बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो इकट्ठी हुई है मैं इतना क्लीन करती आई हूँ अभी तक लेकिन फिर भी मतलब जितनी बार मैं क्लीन करती हूँ ना उतनी बार डस्ट निकलता ही निकलता है तो ये क्वेश्चन कवर्स मैंने सोचा कि ये वाले पहनाती हूँ ये मेरे कम से कम तीन चार साल पुराने हैं तीन साल तो होंगे होंगे मुझे अभी तक याद है जब मैंने यूट्यूब में सबसे पहला अपना आ, आ, वीडियो डाला था ना लिविंग रूम का तो ये क्वेश्चन कवर्स का यूज़ किया था और वो सच में वो जो वीडियो था उसने सच में कमाल किया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसमें तो ये क्वेश्चन कवर्स काफ़ी पुराने हैं लेकिन ये बिल्कुल नए जैसे लगते हैं अभी भी तीन साल के बाद भी तो ये जो है मैंने क्वेश्चन कवर्स चेंज कर दिए हैं अब अच्छे से इनको प्लेस कर देती हूँ सो so, घर को डेकोरेट करने के लिए प्लांट्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं तो काफ़ी टाइम से मेरे प्लांट्स ना मतलब बहुत इग्नोर हुए हैं तो इस बीच लेकिन उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था बारिश वगैरह काफ़ी थी तो प्लांट्स मेरे काफ़ी हरे भरे हो चुके हैं तो उनको भी मैंने प्लेस कर दिया है और अब करते हैं कॉफ़ी टेबल को डेकोर तो बस यहाँ पर मैंने एक मैट ले लिया है और अपना ये जो गोल्डन कलर का ट्रे है जो कि मैंने एमज़ोन से परचेज़ किया है उसको कुछ बुक्स और एक कैंडल से मैंने डेकोरेट करके रख दिया बहुत सिंपल रखा है मैंने और इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया पहले जैसे ही रखा है अब चलते हैं टी वी कंसोल पर तो यहाँ पर मैंने ये हमज़ा का एक स्टैचू रखा है जो कि मैंने बंजारा मार्केट से लिया था और दूसरी साइड जो है वो वो वहां पर मैंने अपना इस साल का विजन बोर्ड रखा है एक प्यारा सा वाज़ रखा है और ये आ, क्यूट बर्ड कपल जो है वो मैंने यहाँ पे रखा है तो मेरा रीसेट हो गया बिल्कुल कम अफर्ट्स डाले तो आज ऐसे ही रेसिपी बताने वाली हूँ जिसमें कम अफ़र्ट्स लगेंगे लेकिन वो बनने में बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल शाही पनीर जैसा ही होगा उतना ही रिच उतना ही टेस्टी बट कम अफ़र्ट्स में तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूँगी तेल थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और इसमें जीरा तेज़पत्ता वगैरह कुछ भी नहीं डालना है आ, सीधा इसमें मैं पेस्ट डालूंगी जिसमें ऑलरेडी मैंने थोड़े बहुत जो गरम मसाले ना वो ऐड किए हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ वो मैंने शूट नहीं किया था बट मैं डिटेल में बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ों को लेकर पेस्ट बनाया है इसमें है अनियन आ, गार्लिक जिंजर थोड़ी सी दार और थोड़ा सा जावित्री होता है वो डाला है और इसमें मैंने ना टमाटर के जगह मैंने थोड़ा सा केचप यूज़ किया है क्योंकि वाकई जो टमाटर है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है यहाँ पर कुछ हम टाइम तक तो हमने भी लिया लेकिन अब वो टू एट्टी का रेट चल रहा है आप लोगों के यहाँ पे क्या रेट चल रहा है आप मुझे बताइएगा और साथ ही साथ मैंने कुछ दस बारह कैशियस लिए हैं तो इन सब का रेशो ना आप अपने पनीर के अकॉर्डिंग लीजिएगा मैंने अपने पनीर के क्वान्टिटी के हिसाब से लिया है तो बस इसमें हल्का सा नमक और हल्का सा आप इसमें जो है हल्दी डाल दीजिएगा और जीरा भी मैंने पेस्ट में ही डाला था तो मैं अलग से यहाँ पर जीरा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल ये एकदम जो ग्रेवी है एकदम ब्लेंडेड चाहिए थी उसमें कुछ भी साबुत नहीं चाहिए था <laughs> तो ये पेस्ट जो है वो अच्छा खासा ना अभी भुनने लगा है और इसमें अब थोड़ा सा ना ऐड करेंगे पानी और उसको बॉईल आने देंगे और मैं जो टमाटर की बात बता रही थी ना मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि एक टाइम था जब मेरे गार्डन में इतने सारे टमाटर उगे हुए थे कि हमने तो खाए खाए साथ में हमारे पड़ोसियों ने भी भरपूर मज़ा लिया टमाटर का लेकिन आज नहीं आज एक भी टमाटर नहीं है हमारे गार्डन में क्योंकि ना इस बीच मैंने बताया ना वुडवर्क में हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं तो जब ये काम चल रहा था ना तो सच में पूरा का पूरा गार्डन बहुत जो है इग्नोर हुआ है तो बस ये थी टमाटर की कहानी और यहाँ पर ना मैंने होममेड पनीर लिया था जिसको मैंने अलग से ना कपड़े में ऐसे करके नहीं इकट्ठा कर रखा था ये दूध फाड़ के ही मैंने पनीर बनाया है और इसको मैं सिर्फ स्टेनर में ही ऐसे छान लिया था और वो मतलब पनीर का शेप अपने आप ही ले लेती है तो काफ़ी अच्छा पनीर बनता है ये भी आपने मेरा मलाई वाला पनीर का रेसिपी भी देखा है और ये सिंपली मैंने दूध से बनाया है बट हाँ मैं हर हाल में चीज़ों को घर में ही बनाने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके ना कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से खरीदूँ मैं तो ये मैंने पनीर डाल दिया ग्रेवी में और थोड़ा सा और बॉईल आने देंगे और बिल्कुल ये जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी है बस लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ऊपर से स्प्रेड कर देंगे मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे तो पनीर तो आए दिन मेरे घर में बनता रहता है लेकिन पूड़ी आज बहुत दिनों के बाद बनने वाली थी तो मैंने बोला आज रमेश घर में है तो पूड़ी और पनीर का कॉम्बिनेशन ना रमेश को बहुत पसंद है तो मैंने बोला पूड़ी बना ली जाए तो बस यहाँ पे एज़ यूजल रमेश मेरी मदद कर रहा है पूड़ी बनाने में किसी और चीज़ में मदद करे ना करे लेकिन मैं इसमें रमेश की हेल्प ज़रूर ले लेती हूँ रमेश बेलने का काम करता है और मैं पूड़ी निकालने का काम करती हूँ तो आज का जो हमारा लंच मेन्यू है ना वो यही होने वाला है कि आ, कफ, कम अफर्ट्स वाला शाही पनीर और आ, साथ में पूड़ी और सैलड और पूड़ी से पूरा घर मेरा इतना खुश है ना आज या खुद सुन लो तो घर का सारा इंटीरियर वर्क तो आप देख ही चुके हैं बचा था बस वार्ड्रोब तो मैंने बोला आज आपको अपना वार्ड्रोप टो कराया जाए तो ये है हमारी ह्यूज सी वाड्रोब तो हमारा जो ये रूम है ये कुछ सिक्सटीन बाई ट्वेल्व फीट का है तो ट्वेल्व फ़ीट के ऊपर ये हमारा वार्ड्रोब है Uh, जो कि uh, पूरा जो वॉल है वो कवर करता है तो दोनों तरफ वॉडर है बीच में ये ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया हमने बनवाया है तो ये जब हम लोग घर बना रहे थे ना इसकी प्लानिंग तभी से ही सही थी मेरे दिमाग में तो ये विंडो उसी हिसाब से मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेस कराई है तो जो अगर हम लैमिनेट की बात करें तो ये मैंने मैट फिनिश वाला लैमिनेट यूज़ किया है और फ्लूटेड वाला पैटर्न यूज़ किया है लैमिनेट में जो कि सेम मैंने ऐसा क्रॉकरी यूनिट में यूज़ किया था और जो कलर देख रहे हैं ये मेरा किचन वाला ही कलर है बट ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये मैट इन मैट इन पैटर्न है मैट uh, पैटर्न का जो लैमिनेट है और बाकी अगर हम बात करें हैंडल्स uh, की नॉब्स की तो नॉब्स बिल्कुल मैंने किचन और क्रॉकरी यूनिट जैसा सेम रखा है बस हैंडल्स जो है वो मैंने डिफरेंट रखे हैं क्योंकि ये वॉड्रोप था तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग हैंडल्स का यूज़ किया है ये लॉन्ग तो है uh, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्लीक है और बिल्कुल सेम टाइप का ही टेक्सचर है इसका जो बाकी पूरे घर में यूज़ किया है तो आजकल ऐसे ब्लैक और मैट वाले जो हैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो दोनों वाड्रॉप जो बड़े वाले साइड हैं वहाँ पर तो ऐसे लॉन्ग हैंडल्स का यूज़ किया है बट बीच में अगर आप देखेंगे सीटिंग एरिया के नीचे की साइड वहाँ पर भी एक कैबिनेट है तो सेम हैंडल्स का सेम डिज़ाइन बट उसका स्मॉल साइज़ हमने यहाँ पर प्लेस किया है तो चलिए मैं आपको अब अंदर से दिखाती हूँ तो रमेश का ना मैंने राइट हैंड साइड वाला लिया है क्योंकि सुबह का टाइम रहता है उसको रेडी होना होता है तो उसको थोड़ी चाहिए जगह कि हाँ वो आराम से मतलब थोड़ी हड़बड़ी में इधर उधर नाटक राय करके तो ये राइट हैंड साइड वाला रमेश को दिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला मुझे मैंने लिया है क्योंकि मेरे को तो कहीं जाना नहीं होता वहाँ पर बेड साइड भी टेबल भी रहेगा बेड भी रहेगा तो मुझे इतनी ज़्यादा घूमने फिरने जाइए भी नहीं कपड़े वपडे निकालने के लिए तो चीज़ों को आ, अंदर जो है वो इस तरीके से हमने प्लान किया था कि कम से कम ऑर्गेनाइजर जो है वो यूज हो जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉवर में फोर पार्टीशन कर दिया ताकि रमेश अपने सॉक्स हैंग कीज़ और बाकी सारी चीज़ें बेल्ट वगैरह वो आराम से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सके और यहाँ पे एक ऐसे ही प्लेन ड्रॉर दिया जिसमें वो फाइल्स वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट वग़ैरह रखना हो रख सके और ऐसे छोटे छोटे कैबिनेट्स बना दिए ताकि कम से कम ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हुए चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके रख सके तो ये है मेरा वाला साइड और यहाँ पर बेड साइड भी आएगा और बेड भी आएगा तो मेरे को इतना कभी भी अगर मैं रेडी हूँ तो इतना रश में नहीं रहूँगी तो मैंने चूज़ किया कि मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले लेती हूँ अपने लिए और आप देखेंगे ऐसे मैंने ना पूरा एकदम बड़ा चौड़ा सा शेल्फ़ ना बना के इसे छोटे छोटे शेल्फ बनाए तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिफरेंशिएट करके कर रख सकेंगे कि घर के कपड़े अलग रख दिए बाहर के कपड़े अलग रख दिए टी शर्ट्स अलग रख दिए जीन्स अलग रख दिए तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेंस बनता है है ना और साथ ही साथ नीचे यहाँ पर ना मैंने ऐसे दो कैबिनेट्स बनवाए हैं तो जिसमें अभी मैंने रियायत के जो रेगुलर कपड़े होते हैं स्कूल के और जो उसके घर के कपड़े होते हैं वो मैंने ऐसे करके रख दिया और दूसरे साइड अभी बस चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है और इनफैक्ट अभी कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है और हमने कपड़े भी अपने पूरे ट्रांसफ़र नहीं करे बट हाँ जैसे जैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो वो शेयर करूँगी तो ये था हमारा वॉड्रॉप तो अब वापस मैं आ गई हूँ किचन में और आज शाम के लिए सोच रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीज़ बनाया जाए आ, अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ भी स्पेशल हमने खाया नहीं है और सारी चीज़ें ना बहुत टाइम से बाहर का ही चल रहा था ड्यूरिंग द होल इंटीरियर वर्क तो मैंने बोला कुछ आज अच्छा सा बनाया जाए तो मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा और होम मेड होने वाला है सारी चीज़ें और पिज़्ज़ा बेस जो है ना स्पेशली मुझे घर का ही पसंद है मुझे बाहर का जो होता है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद है वो ये बहुत कड़क सा हो जाता है खाने के टाइम पर तो मैं घर का बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है दो कप आ, आ, मैदा और जिसमें मैंने लिया है एक हाफ़ टेबल स्पून आप कह लीजिए नमक हाफ़ टेबल स्पून शुगर और हाफ़ टेबल स्पून आ, बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल टेबल आ, स्पून जो है आप बेकिंग सोडा ले लीजिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लीजिए और आ, अगर दो मैदा दो कप मैदा लिया है तो एक कप दही आप ले लीजिए और इसको बस अच्छे से नीट कर लीजिए और पानी की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन उसको आप बाद में ले लीजिएगा क्योंकि दही ऑलरेडी जो आपके डो को ना अच्छे से वेट कर देगा तो पानी अकॉर्डिंगली लीजिएगा तो अब इसको दो से ढाई घंटे का हम लोग रेस्ट देंगे और यूज़ करने से पहले डो को एक और बार नीट करेंगे चलिए अब बनाते हैं पिज़ा तो यहाँ पर ना जो मैंने डो नीट करके रखा था उसको दोबारा से नीट करके और उसको तीन बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया था तो पहला वाला ना मैंने हल्का सा जैसे आप रोटी बेलते हैं ना तो थोड़ा सा बेल कर और उसको फिर मैंने ऐसे पिज़्ज़ा पैन में जो है डाल दिया है और थोड़ा हाथ से और फैला दिया है और अब थोड़ा सा फोक से ना मैंने उसमें थोड़े से ऐसे प्रिक प्रिक करते हुए पूरे ऑल ओवर पिज़्ज़ा बेस में मैंने कर दिया है ताकि वो अच्छे से बेक हो सके फिर अप्लाई किया है जो पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस होता है वो और यहाँ पर ना मैं कुछ कॉर्नस ले रही हूँ जो कि मेरे गार्डन के ही हैं बीच में इतना सर काम वाम चल रहा था उस टाइम पे मैं शूट वगैरह नहीं कर रही थी तो मैं कॉर्न की हार्वेस्टिंग नहीं दिखा दिखा पाई बट ये मेरे गार्डन का ही है और कॉर्नस के साथ साथ ना मैंने कुछ ऐसे अनियन ले लिए हैं ऐसे बड़े बड़े पीसेस में थोड़े से पनीर के क्यूब्स ले लिए हैं मैंने दोपहर को बचा लिया था और साथ ही साथ थोड़े से मैं डालूँगी ऑलिव्स और ऊपर से बहुत सारा मोजरेला चीज़ और बस इतने चीज़ों का ही मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके अलावा नहीं और इस बीच जब मैं चीज़ों को प्रपेयर कर रही थी तो यहाँ पर मैंने वन डिग्री में 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव को प्रीहीट कर दिया था और अब बस मैं पिज़्ज़ा पैन को अंदर डालकर कुछ 26 मिनट का मैंने टाइमर सेट कर दिया है बट बीच बीच में ना आपको चेक करते रहना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि 15-16 मिनट में ही रेडी हो जाता है तो मेरा यहाँ पे 18 मिनट में पिज़ा बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और मैं शायद बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ घर में पिज़्ज़ा और यहाँ तो ये देखिए पिज़्ज़ा का लुक कितना यम्मी कितना टेस्टी है अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो भी मुझे इतना ज़्यादा टेम्पटिंग सा लग रहा था तो यहाँ मैंने पूरा होममेड पिज़्ज़ा बनाया है और सॉस मैंने मार्केट से ली थी बट मेरे को अभी भी वो दिन याद है लॉकडाउन का जब मैंने सॉस भी घर में ही बनाया था तो ये था हमारा पूरा दिन आप सभी के साथ और इस तरीके से हमने इन्जॉय किया आई रियली होप आप लोगों ने भी इस ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तरा बाय बाय